मुंबई इंडियंस हुई प्लेऑफ से बाहर। जब हुई एक और शर्मनाक हार, तो तेंदुलकर भी हो गए गुस्सा पहली बार। हार्दिक पांड्या हुए उनके गुस्से का शिकार। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या की बदकिस्मती लगातार जारी है और शायद उनकी गलती की ही वजह से मुंबई इंडियंस एक और मैच हारी है। लेकिन जब मुंबई इंडियंस दिल्ली के खिलाफ यह मैच हारी तो सचिन तेंदुलकर हार्दिक पांड्या पर भड़क गए। पहली बार सचिन तेंदुलकर को इस तरह गुस्से में देखकर सभी हैरान रह गए। सचिन के इस गुस्से की वजह कहीं न कहीं हार्दिक पांड्या की खराब कप्तानी ही है, क्योंकि मुंबई और दिल्ली के बीच खेले गए इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले में दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई को 258 रनों का लक्ष्य दिया। इसमें हार्दिक पांड्या ने खुद गेंदबाजी करते हुए महज 2 ओवर में 41 रन दिए और पूरे मुकाबले में वह मनमानी करते हुए दिखाई दिए। साथ ही हार्दिक पांड्या ने इस मुकाबले में भी रोहित शर्मा से भी ज्यादा कोई सलाह मशविरा नहीं किया, वो अपनी ही मनमानी करते रहे। शायद यही वजह थी कि मुंबई के मैच हारने पर सचिन तेंदुलकर इतने गुस्से में दिखाई दिए। इस आईपीएल में छठा मैच हारने के बाद सचिन तेंदुलकर ने अपना आपा खो दिया और वह हार्दिक पांड्या के साथ बहुत गुस्से में बातें कर रहे थे। सचिन तेंदुलकर को पहली बार इतने गुस्से में देखकर रोहित शर्मा भी हैरान हो गए। दोस्तों आपको क्या लगता है, मुंबई की हार की सबसे बड़ी वजह क्या थी और क्या सचमुच सचिन तेंदुलकर बहुत गुस्से में होंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।